सत्र के चलते सभी और मां की आराधना हो रही है। इसी कड़ी में विधायक किशोर जोरगेवार ने महाकाली मंदिर में पहुंचकर महाआरती की। 7 अक्टूबर से मन्नत द्वार के द्वार भक्तों के लिए खुले किए गए। महाकाली मंदिर में भी नवरात्र के चलते भक्तगण दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जिन भक्तों ने कोरोना के 2 टीके लगाए उन्हें ही मंदिर में आने की अनुमति दी जा रही है। इसी नवरात्रि के अवसर पर विधायक किशोर जोरगेवार महाकाली मंदिर में दर्शन लेने पहुंचे। यहां उपस्थित भक्तगण और कार्यकर्ताओं ने मिलकर महाआरती की और मंगल कामना की। आजाद यंग चांदा ब्रिगेड च्या वतीने अष्टमीच्या निमित्ताने आजच्या या पावन दिनी माता महाकालीची महाआरती केली। ही महाआरती करत असताना माता महाकालीला प्रार्थना केली की जे कोरोना रूपी संकट आहे, हा जो राक्षस आला आहे, या राक्षसाचा संहार कर आणि चंद्रपूरच्या जनतेला सुख शांती समृद्धी व चांगलं आरोग्य नेहमीसाठी तुझं कृपा असू दे मा। ही सर्व समस्त चंद्रपूर वासियांच्या वतीने माता महाकालीच्या चरणी प्रार्थना केली आणि निश्चितपणे माता महाकालीचं हे जागृत दैवत आहे। केवळ चंद्रपूर विदर्भ महाराष्ट्र नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये अतिशय प्रसिद्ध असे देवस्थान असल्यामुळे माता महाकाली निश्चितपणे चंद्रपूरवर जो तिचा आशीर्वाद आहे तो कायम राहणार आहे। ही चंद्रपूरच्या जनतेला या निमित्ताने अष्टमीच्या विजयादशमीच्या दिवाळीच्या आणि आमच्या तेलुगू बांधवांना बतकम्मा उत्सवाच्या शुभकामना देतो। उत्तर भारतीय जे बांधव आहे त्यांनाही छठ पूजेच्या शुभकामना देतो। जय माता मा।